देवा गुजर हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी बाबू गुजर, अन्य 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस हत्या से जुड़े 20 से अधिक हत्यारों की होने की आशंका जताई जा रही है। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी हुई आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद घटना का रिक्रिएशन करवाया जाएगा। देवा गुजर हत्याकांड का पूरा खुलासा रिक्रिएशन सीन द्वारा होगा। उसी प्रकार आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। देवा गुजर के परिवार वालों ने प्रशासन से आईपीसी धारा 302 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। आईपीसी धारा 302 में किसी की हत्या करने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। हत्या करते समय हत्यारे का रोल अदा होता है, उसी प्रकार कानून व्यवस्था द्वारा सजा होती है। आईपीसी धारा 302 के तहत हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा होती है या फिर आरोपियों को उम्र कैद सजा होती है। इस घटना में हत्यारों के सहयोगियों को भी फांसी या उम्र कैद की सजा होती है। देवा गुजर के हत्यारों को आईपीसी धारा 302 के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दें।